अंकों से बनाएं कैसे पूरा वीक खास, लाइफ में टैरो कार्ड से कैसे भोले मिठास, मिटानी हो लाइफ में सारी टेंशन तो फेंग शुई में है आसान सॉल्यूशन। देखिए गुड डक लाइफ मेरे साथ सिर्फ जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक लाइफ में। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा, और इस खास पेशकश में इस सप्ताह का भविष्यफल बताने जा रही हूं मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपके सन साइन के अनुसार, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पर आधारित होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो एरीज यानी कि मेष राशि के लिए सबसे पहले मैं कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेष राशि की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। पहला कार्ड निकल कर आया है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का, जो कहता है कुछ बदलाव हो सकता है। आपकी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव आ सकता है, आपके रहन सहन में भी कुछ बदलाव, और ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि जॉब फ्रंट पर भी कुछ मूवमेंट्स होती हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरा जो कार्ड है सेवन ऑफ हार्ट्स का, वो ये कहता है कि आप काफ़ी ख्यालों में खोए रहेंगे। ये पूरा सप्ताह आप काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका रियलिटी से थोड़ा सा कनेक्शन लूज़ हो सकता है। आपको काफ़ी प्रैक्टिकल आइडियाज़ के पर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फैंटसीज़ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ आप हवाई किले बना रहे हैं, कुछ इस तरह की आपकी मनोदशा मुझे होती हुई नज़र आ रही है। वहीं तीसरा कार्ड फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी देता है। फाइनेंसिस के मामले में आपकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सराहनीय होगी, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कहेंगे उसमें आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट। तो आपके लिए इस वीक का ओरेकल कार्ड भी मैं निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आया है ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह से आप अगर इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करेंगे तो भी आपके साथ ये सप्ताह में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ आप एक्सटर्नल ब्यूटी पर भी फोकस कीजिए, अच्छे बनकर रहिए, थोड़ा मेकअप एंड ऑल ये सब अप्लाई कीजिए, अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखिए, क्योंकि इस सप्ताह ब्यूटी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखती हूँ क्या कहते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड बताता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कि फाइनेंसिस के मामले में तो ये सप्ताह अच्छा है, आपको हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती हुई नज़र आ रही है। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि किसी ना किसी से आपका मन में एक रंजिश सी पैदा हो सकती है किसी एक व्यक्ति के साथ, जिसकी वजह से आप चाहेंगे अब रिश्ता और आगे ना बढ़े और उसी वहीं विराम देकर आप आगे बढ़ेंगे। तो मूव ऑन करने का कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि रात भर जागने से आपको सिरदर्द हो सकता है, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशन देता है कि आपको हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और आपके लिए भी मैं इस वीक का कार्ड निकालती हूँ और एकल कार्ड। तो आपका कार्ड निकल कर है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे की जाए, डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप सॉल्ट वाटर से बात लीजिए, नमक के पानी में सेंधा नमक ले लीजिए, या फिर आप सी सॉल्ट से वाला जो वो है नमक वो यूज़ कीजिए और उसमें आप स्नान कीजिए, इससे डिटॉक्स होते हैं आप। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको लोगों को सलाह देनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं या टैरो का रीडर, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि कुछ समय के लिए आप वो काम छोड़ दीजिए और अपनी अंदरूनी सुंदरता पर ध्यान दीजिए, उसे क्लेंजिंग की आवश्यकता है। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सुबह और शाम। अब रुक करते हैं तीसरी राशि का। तो तीसरी राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए मैं तीन कार्ड्स निकाल रही हूँ। मिथुन राशि वाले, जिसे बोलते हैं कि ड्यूअल पर्सनैलिटी होते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी भी बोला जाता है उनको, तो आपके लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो जो सबसे पहले सेंटर कार्ड है वो मुझे बहुत ज़्यादा बता रहा है कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है इस सप्ताह। आप अपनी, जैसे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर को अगर यूज़ करके कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आपका काम बोलने का है, अगर स्पीच से रिलेटेड कोई काम है आपका, या किसी तरह का कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन राइटिंग का काम है, तो आपका इस समय
बहुत ही अच्छा समय बीतेगा, इस पूरे सप्ताह आपको मिलेगी काफ़ी सराहना। वहीं दूसरा कार्ड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का ये बताता है कि इस सप्ताह आपको कुछ एडिशनल इनकम हो सकती है, कुछ फ़ायदा हो सकता है जो कि आपने सोचा भी ना हो, ऐसा फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कोई इंसेंटिव आपको मिल जाए जो कि आपने सोचा भी ना हो कि आपको मिल रहा है। और तीसरा कार्ड निकल कर आया फोर ऑफ हार्ट्स का, जो काफ़ी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में आपको डालता है, आप काफ़ी शांत रहेंगे, ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे और बिल्कुल शांत रह के अपने इनर ची को आप एनहेंस करने के लिए मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं, तो वो आपके लिए एडवाइजेबल भी है इस सप्ताह। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल कार्ड निकालती हूँ, फैमिली हार्मनी। वैसे तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देता है कि फैमिली में काफ़ी अच्छा माहौल रहने वाला है, काफ़ी एक दूसरे से प्रेम बना रहेगा और जितना हो सके आप बना के भी रखिए। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है जहाँ पर आपस में मतभेद हो वहाँ पर भी। चलिए अब रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। देखिए कर्क राशि के लिए जो मिले जुले कार्ड निकल कर आए हैं जहाँ पर मुझे आत्मचिंतन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर से अपने लिए अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि जो भी आपने जीवन में अभी तक किया वो क्यों किया या उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस तरह की आपका आत्मचिंतन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद अपने लिए रास्ता चुनना चाहते हैं, आप खुद अपने लिए निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस सप्ताह। वहीं दूसरा कार्ड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का बताता है ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है आपके खिलाफ और पॉलिटिक्स के आप होंगे जबरदस्त शिकार। इस पॉलिटिक्स से अपने आप को बचाने के लिए आपको जो भी हो सके करना चाहिए और हो सके तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आपको भी खेलना पड़ सकता है अपने आप को बचाने के लिए। वहीं तीसरा कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ हार्ट्स का, जो रिश्तों में मजबूती देता है, पति पत्नी के रिश्ते बने रहेंगे, प्रेम फिर से उजागर होगा, बहुत ही अच्छा रिश्ता बना रहेगा आपका अपने पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में हो सकती है किसी समवन स्पेशल की एंट्री, ये इंडिकेशन देता है एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। तो आपके लिए कार्ड निकल कर है प्लेफुलनेस, यानी मस्ती कीजिए, मजे कीजिए, बस यही है इस सप्ताह का मूल मंत्र। अब रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो मैंने तीन कार्ड्स निकाले हैं, तीन की बजाय चार कार्ड्स निकल गए। तो पहला कार्ड तो बताता है कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपका, कभी बहुत अच्छा मूड होगा, कभी आप थोड़े से अपसेट, जिसकी वजह से लोग सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ सही सा नहीं चल रहा, क्योंकि अभी आप काफ़ी ज़्यादा जीवन में जो आपको मिलना चाहिए वो स्लो मिल रहा है, कुछ चीज़ें रुकती हुई नज़र आ रही है। हैंगमैन बताता है कि कोई बड़ी चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो हॉल्ट पर आ सकती है। वहीं द लवर्स का कार्ड ये बताता है आप किसी ऐसे क्रॉस रोड पर आ सकते हैं जहाँ आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है और ये डिसीजन दिल और दिमाग की जंग में मतलब आपको डाल सकता है। तो डिसीजन जो है आपको दिमाग से लेना चाहिए या दिल से, ये डिसाइड भी आप ही करेंगे। वहीं चौथा कार्ड जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये बताता है कि अभी आप जो वेट कर रहे हैं उसके लिए आप थोड़ी सी और वेट कीजिए, क्योंकि अभी चीज़ें रुक रही हैं। आपके कार्ड्स ओवरऑल बताते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में अभी थोड़ी सी देरी है, मतलब चीज़ें सार्थक होने में थोड़ी सी देरी है। तो चलिए आपके लिए कार्ड निकालती हूँ इस वीक का ओरेकल एडवाइस। तो आपके लिए निकल कर आया मैनिफेस्टेशन पावर। देखिए इस कार्ड का मतलब ये हुआ कि जो अभी हम मैंने बताया कि हो सकता है चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में देरी है, लेकिन मैनिफेस्टेशन पावर का मतलब होता है कि आपके खुद की माइंड की पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी भी जिसे बोलते हैं असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखेंगे इस सप्ताह। यानी कि चाहे कितनी भी देरी हो लेकिन अगर आप इनर ची को अपनी इनर पावर को यूज़ करेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी सार्थक कर सकते हैं इसी सप्ताह। चलिए अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। कन्या राशि के पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा निकल कर आए हैं और साथ में एक डेविल कार्ड। जो डेविल कार्ड सबसे पहले मैं बताती हूँ, डेविल कार्ड ये बताता है शादी के बारे में। अगर आप सोच रहे थे तो शादी की संभावनाएं हैं कि शादी का सब कुछ मामला फिक्स हो जाए, लेकिन साथ साथ अगर ऐसा कोई सीन नहीं है आपकी लाइफ में, सब कुछ मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हैं या अभी कोई सीन नहीं है शादी का, तो आपको बच के रहना है अपने दोस्तों के साथ कि कहीं ऐसा किसी गलत कंपनी में तो नहीं फंस गए हैं, क्योंकि गलत आदत अगर आपको है कोई अल्कोहल की या सिगरेट स्मोकिंग की तो ये आपको नुकसानदायक हो सकती हैं आपके लिए इस सप्ताह। वहीं दूसरा कार्ड इस पेंटिकल्स का बताता है कि किसी ऐसे काम की शुरुआत करने के लिए ये उपयुक्त समय है जिसमें फ्यूचर में आपको काफ़ी गेन होगा। यानी कि ये सप्ताह इस समय काम करने का है और किसी भी प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश करने के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं।
अगला कार्ड ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का बताता है कि इस सप्ताह चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और यही आपका अंदर से भी आवाज़ होगा कि ह्यूमैनिटी के काम आना है, लोगों की मदद करनी है, कुछ इस तरह की इंडिकेशन देते हैं आपके टैरो कार्ड। चलिए आपके लिए इस सप्ताह का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ, तो निकल कर आता है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यानी कि आप अपनी खुद की इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन इस समय आपको बोलेगी जो इस सप्ताह होगा वही। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपके अंदर से इंट्यूशन आपको हो रही है कि ये व्यक्ति मेरे काम आ सकता है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति से आपके काम होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि इस व्यक्ति से मुझे नुकसान हो सकता है, तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यानी कि आपको इस सप्ताह अपनी इंट्यूशन पर काफ़ी बिलीव करना है। रुक करते हैं अगली राशि का, तो अगली राशि है लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए जो तीन कार्ड्स मैं निकालती हूँ, तुला राशि के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आता है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कह रहे हैं कि आप फंस सकते हैं खुद की ही बनाई हुई किसी प्रॉब्लम में। आप बहुत सोच समझ के चलिए, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या जो भी जिससे कमिटमेंट आप करते हैं वो अपनी लिमिट में रहकर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आउट ऑफ द लिमिट जाने की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। दूसरा कार्ड बताता है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि जो आप कोई आप डील कर रहे हैं तो अभी इस सप्ताह डील में आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपने सोचा था। हाँ, लेकिन तीसरा कार्ड ये जरूर बताता है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की कोई ऐसा इनकम सोर्स आपका शुरू हो सकता है कि जिससे कि रेगुलर इनकम आपको हो, इस तरह की इंडिकेशन मिलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के कार्ड्स में। और आपके लिए इस वीक का और एकल कार्ड भी मैं निकालती हूँ, आपके लिए कार्ड तो निकल कर आया है हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी कि इन सब चीज़ों के चलते जो भी काम काज आप कर रहे हैं जिसमें कि हो सकता है रिजल्ट अप टू द मार्क ना भी आए, लेकिन इनकम बनी रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा ठीक ठाक, आप एकदम सुखमय जीवन जीते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे सप्ताह। चलिए अब रुक करते हैं अगली राशि का, अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह के टैरो कार्ड्स मैं निकालती हूँ, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकल कर आता है तो टावर का, जो बताता है कि कोई एक ऐसा संदेश आ सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है या हो सकता है आपकी खुद की तबीयत भी किसी तरह से परेशानी का कारण बन सकती है आपके लिए। आपको काफ़ी ध्यान देना होगा और जो भी है इसका उपाय ज़रूर कर लीजिए। मैं हर बार बताती हूँ टावर कार्ड का जो उपाय ज़रूर करना चाहिए जब भी निकल कर आए, एक नारियल लेकर अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, ताकि टावर से आने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच सकें। वहीं दूसरा कार्ड द चैरियट का बताता है गाड़ी खरीदने के बारे में, अगर आप सोच रहे थे तो ये सप्ताह है एकदम एप्रोप्रिएट इस विश को फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा कार्ड है, और अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रहे थे तो प्लानिंग कीजिए, क्योंकि टावर के साथ ये कार्ड आया तो मैं बोलूँगी ट्रैवल आपका इस सप्ताह बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा, लेकिन प्लानिंग अगर आप करते हैं और नेक्स्ट वीक अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि वर्क प्लेस पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगा ये सप्ताह, आपको ऑफिस में खुद भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और मार्केट डायनेमिक्स भी आपको रोक सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट जाएगा वो आपके फेवर में जाएगा। तो आपके लिए इस वीक का ओरेकल कार्ड मैं निकालती हूँ, तो आपका कार्ड निकल कर आया है इनर चाइल्ड। आप कितने भी सीरियस हों, कितने भी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन हमारे अंदर एक मासूम इनर चाइल्ड हमेशा रहता है। कभी भी अपने जीवन में इस इनर चाइल्ड को मरने ना दीजिए। अगर आपका इनर चाइल्ड आपको बोलता है दैट यू शुड प्ले, तो आपको खेलना चाहिए। अगर आपका इनर चाइल्ड आपको एडवाइस करता है कि आपको आज ड्राइंग बनानी चाहिए, तो आप वो कीजिए। अपने इनर चाइल्ड को हमेशा जीवित रखें। तो इस सप्ताह आपका इनर चाइल्ड आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। अब है अगली राशि, अगली राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के लिए 3 कार्ड्स मैं निकालती हूँ, धनु राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं, पहला कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का, जो बताता है बिजी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं आप, और इसके साथ साथ आप अच्छा इनकम भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में किसी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपका एक कॉम्पिटिटर वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हो। लेकिन एक बात तो है, क्योंकि ओवरऑल जो आपका जो निकल कर आता है कार्ड्स के हिसाब से आप जीत सकते हैं इस पर्टिकुलर द्वंद्व को। वहीं तीसरा कार्ड है द एम्परर का, जो बताता है कि राजसीय मामले आपके सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है या अथॉरिटी से लेकर कोई आपका मामला है तो वो आपकी फेवर में जाएगा। अगर आप किसी तरह के टेंडरिंग के बिजनेस में है तो उसमें होगा आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा।
और आपके लिए इस वीक का ओरेकल कार्ड निकालती हूँ। आपका ओरेकल कार्ड निकल कर आया है पीस ऑफ माइंड। कुछ भी कीजिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन अपने पीस ऑफ माइंड से समझौता मत कीजिए। कोई भी ऐसा काम अगर आपको करना पड़ रहा है जिससे कि आपके दिमाग की शांति भंग होती है, तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए। पीस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए मोटो फॉर द वीक। चलिए अब रुक करते हैं मकर राशि का। तो मकर राशि के लिए मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ। तो मकर राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला कार्ड निकल कर आया है टेन ऑफ वांड्स का, जो ये बताता है कि आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पर, काफ़ी ओवरलोडेड रहेंगे, मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और हो सकता है कि आप अपना काम किसी दूसरे को डेलीगेट भी ना करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये काम दूसरा ठीक से कर पाएगा कि नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं बैक की कोई प्रॉब्लम, मसल पेन या नेक पे स्पॉन्डिलाइटिस या किसी तरह की प्रॉब्लम अगर है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वर्क में ओवरलोड होने की वजह से आपको हो सकता है की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ हार्ट्स का बताता है कि ये सप्ताह है लेडी लक का, यानी कि आप हर तरह से अपने जीवन में जुड़ी हुई महिला वर्ग से अपना रिश्ते बनाकर रखें, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपनी पुत्री से, अपनी जो भी कलीग्स हैं आपकी फीमेल कलीग्स, उन सब से आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए इस सप्ताह, बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिएगा। वहीं तीसरा कार्ड निकल कर आया सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो ये बताता है कि आप हर तरह की मुश्किल से आप बाहर निकल जाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम इज़ कमिंग टू एन एंड। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सप्ताह आप मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और आपके लिए ओरेकल कार्ड मैं निकालती हूँ, तो ओरेकल कार्ड क्या कहता है देखते हैं। आपके लिए निकल कर आया है ओरेकल कार्ड ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग, यानी कि अपनी खुद की जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर आपकी ट्रू फीलिंग कहती है कि आप अपने जीवन में सही काम कर रहे हैं, अगर आपकी इनर फीलिंग ये कह रही है, तो आप इस बात को रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपकी इनर फीलिंग कह रही है कि कहीं ना कहीं इस काम में कुछ नुकसान हो सकता है किसी दूसरे का, और आप शायद किसी दूसरे की नुकसान देते हुए अपना काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में इनर फीलिंग को थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए और वो काम ना करें। तो अपनी इनर फीलिंग को रेस्पेक्ट देते हुए ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला कार्ड बताता है नाइन ऑफ वांड्स का, यानी कि आप बहुत उतावले हो सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन अभी थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी देरी है। तो आप इस चीज़ को माइंड में लेके चलिए और अपनी रिजर्व में जो विल पावर है उसको यूज़ कीजिए, कि आप जैसे बोलते हैं कि आप अपनी विल पावर को बना के रखेंगे तो आप अपने आने वाले समय में जो सक्सेस है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और अभी क्योंकि आप अपनी सक्सेस से थोड़े से दूर हैं, तो बस ये मान के चलिए कि आप बस एक स्टेप दूर हैं। ओके, दूसरा आर्टिकल कराया है प्रिंसेस ऑफ वांड्स का, जो ये बताता है कि हो सकता है कि आपको किसी इंटरव्यू का कॉल आ जाए, आप बहुत दिनों से अगर आपने अप्लाई किया था कहीं पर, बहुत दिनों पहले भी किया था या अभी रिसेंटली आप अप्लाई करें, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है और इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा होगा, ये कार्ड बताता है। तीसरा कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ वांड्स का, जो बताता है कि आपको अपने मेंटोर का, अपने सीनियर्स का मिलेगा भरपूर सहयोग। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको ना सिर्फ गाइड करेंगे बल्कि शायद आपके साथ साथ चल पड़े और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा कर आए। तो चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल कार्ड मैं निकालती हूँ। तो ओरेकल कार्ड आपके लिए निकल कर आया है बॉडी मूवमेंट, यानी कि इस सप्ताह आपको वो काम करना है जिसमें बॉडी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स पे इन्वॉल्व है तो आप ऐसा स्पोर्ट कीजिए खेलिए, यानी कि आप जैसे चेस खेल रहे हैं इन सब में तो बॉडी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप खेलिए जैसे फुटबॉल या हॉकी, इस तरह के खेल जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट काफ़ी होती है, बैडमिंटन, इस तरह के खेल। और अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, तो आप वॉक पे चले जाइए, अपनी बॉडी को जितना आप मूव करेंगे उतना आपकी एनर्जीज जो है एनहेंस होंगी इस सप्ताह। और अब आखिरी राशि का रुख करते हैं। आखिरी राशि है पाइसिस यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। मीन राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं, बहुत सुंदर कार्ड निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड निकल कर आया है स्ट्रेंथ, जो कह रहा है कि इस सप्ताह आपका जो आप बहुत निडर रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं किसी भी चीज़ से, लोगों से स्थितियों से, परिस्थितियों से, किसी चीज़ से आप घबराते हुए नज़र नहीं आ रहे और आप डट के सामना करेंगे किसी भी जिसकी अपोजिंग सिचुएशन का। वहीं दूसरा कार्ड मैजिशियन का बताता है कि इस सप्ताह आप जैसे चाहेंगे वैसे आपका सप्ताह बीतेगा। इस सप्ताह किंग आप हैं और आप ही हैं मैजिशियन, आप ही गाइड करेंगे अपने सप्ताह की एनर्जीज को। अगर आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर आप प्रॉफिटेबल रखना चाहते हैं तो प्रॉफिटेबल होगा। वहीं तीसरा कार्ड फोर ऑफ वांड्स का ये बताता है कि रेजिडेंस चेंज के लिए काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप अपना
और घर चेंज करना चाह रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बताऊं, ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आपने उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने करियर में, उसे सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई ओकेजन मिलेगा। हो सकता है कि ऑफिस में सब लोग बैठ के आपके किसी ऑर्डर, कोई आपका नया ऑर्डर आया है उसको एंजॉय करने के लिए एक पार्टी थ्रो कर दें, या यूं ही लोग आपकी सराहना करते हुए चलिए आज एक पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की। तो आप लोगों के लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड भी मैं निकाल देती हूँ। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है रोमांस, यानी कि रोमांस है आपके लिए इस सप्ताह का लाइटनिंग फैक्टर, यानी कि आपको इस सप्ताह अपनी लव रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो ये थे इस वीक के ओरेकल एडवाइस कार्ड्स और आपके फोकस्ड कार्ड्स। चलिए अब हम रुक करते हैं उस सेगमेंट पर जहाँ मैं आपको बताऊँगी आपका एलिमेंट ऑफ द वीक। तो इस वीक का एलिमेंट है जो आपके इस वीक को और भी बेहतर बना सकता है वुड, यानी कि इस सप्ताह अगर आप वुड एनर्जी अपनी लाइफ में लाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वुड एनर्जी लाने के लिए इस सप्ताह जितना हो सके अपने घर में ग्रीनरी लाइए, नए प्लांट्स को इनवाइट कीजिए, उनको डेकोरेट कीजिए, इंडोर प्लांट्स खरीदिए और अपने वेल्थ एनहेंसिंग प्लांट्स भी खरीद सकते हैं, जेड प्लांट लीजिए जिससे कि वेल्थ एनहेंस होती है, मनी प्लांट लगाइए। और देखिए इसके साथ साथ जो कलर आपको यूज़ करना है इस पूरे सप्ताह वो है ग्रीन, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ द वीक, तो इसी ग्रीन कलर को यूज़ कीजिए। और देखिएगा ग्रीन करने से, यूज़ करने से आपकी वेल्थ भी एनहेंस होगी, मुझे ऐसा लगता है वेल्थ एनहेंसिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये थे इस सप्ताह के स्पेशल टिप्स और स्पेशल कलर मैंने आपको बताया। इसी टिप के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।